आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हामिद की लव स्टोरी वर्सेस पाकिस्तान की हेट स्टोरी, कैसे पाकिस्तान एक आशिक को जासूस बता सकता है, कैसे प्यार की सजा पाकिस्तान में जेल है। हामिद अंसारी मुंबई का रहने वाला शख्स जो कि पिछले 6 सालों से पाकिस्तान की जेल में सजा काट रहा था आज तक, पर हामिद का पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है। हामिद से जानेंगे पाकिस्तान की आप बीती और मां बाप से पूछेंगे आखिर बेटे को दोबारा पाने के लिए किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन पहले देखिए कैसे पाकिस्तान के फंदे में फंस गया हामिद। ये आंसू हैं पाकिस्तान से मिली आजादी के, ये दर्द है 6 साल बाद जेल से बाहर आने का। पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर आज जब हामिद अंसारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलने पहुंचे तो अपना दर्द छिपा नहीं पाए। सुषमा को देखते ही हामिद फफक फफक कर रोने लगे। सुषमा स्वराज ने बड़े लाड प्यार से बेटे की तरह हामिद को गले से लगा लिया। ओ पल रुका ख्वाबों का कारवा और फिर चल दिए तुम कहां। इससे पहले कल हामिद की भारत वापसी की भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई थी। 6 बरस बाद पाकिस्तान की जेल से बाहर निकलकर जैसे ही हामिद निहाल अंसारी ने अटारी के वाघा बॉर्डर पर भारत की सरजमी पर कदम रखा उसे चूम लिया। सामने माँ पिता और पूरा परिवार था। 6 बरस बाद बेटा लौटा था। माँ बाप के सीने में मोहब्बत का तूफान उमड़ा और आंखों के रास्ते बह चला। माँ एक बार बेटे के गले से लगी तो फिर हटी नहीं। हामिद अंसारी की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। मुंबई का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हामिद फेसबुक पर खैबर पख्तून की एक पश्तून लड़की से मोहब्बत कर बैठा था। उस लड़की से मिलने की चाहत में हामिद नवंबर 2012 में अफगानिस्तान पहुंच गया। फिर अफगानिस्तान में उसने पाकिस्तानी फर्जी पहचान पत्र बनवाया और वहां से वो कोहट पहुंचा। कोहट के एक लॉज में वो रुका और यहीं उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जासूसी के आरोप में हामिद अंसारी को पाकिस्तानी सेना की कोर्ट ने 3 साल की सजा सुना दी। इसके बाद शुरू हुआ हामिद की मुश्किलों का सफर। 3 साल की सजा खत्म होते होते 6 साल बीत गए। इधर हामिद के पिता की बैंक की नौकरी चली गई, मुंबई का घर बिक गया, मगर माँ बाप को यही चाहत थी कि बेटा लौट आए। और खुदा ने देर से ही सही लेकिन माँ बाप की फरियाद सुन ली और आज उनका लाल अपने मुल्क, अपनी जमीन और अपने परिवार के पास वापस लौट आया है। हामिद, हम सब जो आपकी कहानी को देख सुन रहे हैं, नजरें हमने आपकी देखी, कैसे पलकें आपकी भर आई थी, हैरान रह जाते हैं इस पूरी कहानी को सुनकर। आप पर तो बीती है, वो पहला कदम कैसा था जब पाकिस्तान की सरजमी से वापस आपने हिंदुस्तान की जमीन पर अपना कदम रखा? जब मैं सबसे पहले मैं जब पाकिस्तान की ही जमीन पर था लेकिन बिल्कुल वाघा के गेट पर था, वहीं से मैंने अपने माँ बाप को देख लिया। मैंने उनको देखा कि वो जो सेरेमनी की जो कुर्सियाँ होती वहाँ से वो दाखिल हो रहे थे और 6 साल के बाद मैंने अपने माँ बाप को देखा था। मैं उन लम्हों को मैं जबान में या शब्दों में बता नहीं सकता क्या था वो। जैसी मैं उस तरफ अपने मुल्क, अपने वतन, अपनी मिट्टी पर मैं जैसी पहला कदम मैंने रखा तो एक अंदर ही अंदर मुझे महसूस हुआ कि मैं अब घर पहुंच चुका हूं। अब इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि मैं बम्बई में हूं, अमृतसर में हूं, दिल्ली में हूं, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था, मैं अब घर पर हूं। और फिर मेरे घर वालों समेत हम सब के दिल में एक आवाज़ उठी, एक जज्बे के साथ हम सब ने हमारी धरती माँ को चूमा है, इसे गले लगाया है हमने। माँ को देखा आपने, माँ की आपकी आंखें इस वक्त भी भर आई हैं। मेरी माँ, इनको यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं वापस आया हूँ। एक माँ के जज्बात मैं नहीं समझ सकता क्या, ये एक माँ बेहतर समझ सकती है। फौजिया जी, कितने दिन बीते? 2232 दिन, और एक एक दिन भारी, एक एक दिन भारी, एक एक रातें जाग करके काट काट करके कैलेंडर पे नोट था, उल्टी गिनती थी, गिनती खत्म हुई तो वो आ गया। ये एक विश्वास था, भरोसा था कि आएगा, भरोसा था,
ऊपर वाले पर भरोसा था, अपनी सरकार पर, भारत सरकार पर भरोसा था, अपने मीडिया पर भरोसा था जो हमारी आवाज़ बने, और पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ बहुत अच्छे फरिश्ता सिफत जो वहाँ के जुडिशरी थी, वहाँ के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, हमारे लॉयर थे, जिस तरह से इंसानियत को उन्होंने तरजीह दी, हमारे दर्द को महसूस किया, तो यकीन होता था, भरोसा ही और मजबूत होता था कि वो ज़रूर लौट कर आएगा, और आया। सिसकती हुई आपकी आंखों को मैं और परेशान नहीं करना चाहती हामिद, लेकिन एक एक दिन कितना भारी बीता, क्योंकि आपको तो शायद गिनती नहीं याद होगी जैसी माँ को याद है, लेकिन एक एक दिन कितना भारी बीत रहा था क्या? क्योंकि एस्पियोनाज चार्ज किया था, टॉर्चर किया शुरू में। शुरू में तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई होना क्या। जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया उस दिन मैं समझ गया कि अब मेरी वापसी नहीं होनी है। सबसे पहला ख्याल और सबसे पहली दुआ मेरे जबान पर जो थी, बस क्योंकि ये दिल में एहसास हो चुका था कि रोने से कुछ नहीं होना है, चीखे लगाने दहाड़ लगाने से कुछ नहीं होना है, लेकिन दुआएं करने से हो सकता है कुछ हो जाए। दुआएं तो खाली नहीं जाती है, और रब तो सुनने वाला है, सबकी सुनता है, हमारी क्यों नहीं सुनेगा। माँ की दुआ, लोगों की कोशिशें, भारत सरकार की कोशिशें, सुषमा स्वराज मैडम की कोशिशें, जो बिल्कुल अनजान है मेरे लिए क्या है वो, लेकिन फिर भी शी ट्रीटेड, मतलब उनका सलूक जो था, मैं उनको एक मदर इंडिया का खिताब देता हूँ अब, कि उन्होंने मुझे इस मुल्क का, इस देश का बच्चा माना, अपना बच्चा माना और मुझे वापस लाए। मैं उनका इस बात के लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जो मेरे ऊपर वहाँ बीती है वो मेरी ज़िंदगी के काले लम्हात थे, वो मैं नहीं भूल सकता। दुआ करता हूँ कि बस उनसे निकल आऊँ। मेंटली अभी भी आपको इमोशनली मेंटली वो दिन वो रात परेशान करते हैं? मैं, किसी का दिल नहीं पसीजा, आपने खुद कहा चीखने चिल्लाने, किसी का दिल नहीं पसीज रहा था? उन्हें क्या फ़र्क पड़ना है, उन्होंने तो मुझे साफ कहा था कि भाई तुम तो एक पका पकाया फल हमारी गोद में आकर गिरे हो। कई बार मुझे ये बताया गया कि भाई तुम्हारा केस कुछ नहीं है, क्लियर हो, लेकिन सिर्फ तुम एक इंडियन हो इसलिए तुम्हारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। अब मैंने बोला भाई अगर ये आपके यहाँ पे ये इंसाफ होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मदद आनी है मेरे लिए, कहीं ना कहीं से तो मदद का रास्ता बन जाएगा। माँ की दुआएं साथ थी, माँ की दुआएं साथ थी बेशक। और हामिद आपने कहा कि कैसा सलूक वो करते थे, क्या करते थे आपके साथ, किस तरह का टॉर्चर करते थे, क्योंकि जासूसी का आरोप था। मुझे दिन, उन लोग दिन रात नहीं देखते, जब उनका दिल करता निकालते। मुझे अभी भी याद है सर्दियों का मौसम था, एक हफ्ता मुसलसल मुझे खड़ा रखाया गया था, एक सप्ताह तक मैं खड़ा था, सोने नहीं दिया। अच्छा आंखों पे पट्टी, आंखें बंद हैं लेकिन सो नहीं सकते हो, खड़े खड़े झपकी अगर आई तो पता नहीं किस किस जगह से वार होना है। एक हफ्ते बाद जब पट्टी खुली, जैसा मैंने पहले भी बताया कि मैं 15 फीट जमीन के नीचे था, मुझे तहखानों में रखा गया था, रात का टाइम था, जो तफ्तीश करने मेरे पास आया अफसर, उसने जब पट्टी खोली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने पहाड़ और परिंदे हैं, मैं अपने जहन में नहीं था, मैं एक हफ्ते से सोया नहीं तो जहन मेरे सुकून में ही नहीं था, मुझे चीज़ें नज़र आ रही थी कि भाई मैं झरनों के बीच में हूँ। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। अगले दिन बोलते हैं भाई चलो तुम तो क्लियर हो गए, तुम तो घर जाने वाले हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 4 महीने 6 महीने की सज़ा होगी, फिर तो तुम जा रहे हो। 7 महीने बाद फिर एक नया बंदा आ जाता, भाई हमें तो कुछ नहीं पता है, हमें फिर बताओ, हर चीज़ दोबारा शुरू हो गई। इतना मारा, कभी बेहोश कर दिया मार मार के, कभी मुंह से खून आना शुरू हो गया, यहाँ तक कि मेरी बाई आँख का रेटिना फट चुका था, इतना मारा मुझे। उस लड़की का क्या हुआ, उसके बारे में कोई जानकारी उसके बाद मिली? मुझे पता है फौजिया जी आप पर बहुत ज़्यादा, लेकिन वही बात है कि सच सबके सामने आए और वो सच्चाई हामिद ही बता सकते हैं, क्योंकि इनके अलावा कोई और बोलेगा तो बहुत मुश्किल होगी, इसलिए आप हिम्मत रखिए, अब आपके लिए आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बेटे का हाथ आपके सिर पर है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। एक एक दिन आप पर कितना भारी बीता होगा ये हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। हामिद उस लड़की से आप सोशल मीडिया के थ्रू टच जी सोशल मीडिया के थ्रू मैं उससे टच हुआ था, और धीरे धीरे ऑब्वियसली बातें करते करते जज्बात बन गए,
और ये सोचा नहीं था कि भाई चलो बात इतनी आगे बढ़ेगी। हम सोचे कि चलो भाई एक नॉर्मल प्रोसीजर जो होता है फैमिली के थ्रू, लेकिन कुछ ऊंच नीच हो गई उसकी वजह से मुझे मिसगाइड किया गया। कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे, वीज़ा वगैरह छोड़ दो, जबकि मैंने वीज़ा के लिए 10 महीने पाकिस्तान हाई कमीशन में अप्लाई करके लीगल प्रोसेस से कोशिश की थी। कोशिश की 10 महीने, 10 महीने तक ये सब आप अफगानिस्तान से करते रहे? नहीं, इंडिया से रहकर मुसलसल में पाकिस्तान हाई कमीशन से रابطہ करता था कि भाई मेरे वीज़ा का क्या हुआ, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बीच में लटका हुआ था। अब दूसरी तरफ से मुझे प्रोवोक किया जा रहा है कि वहाँ पे लड़की की शादी हो जाएगी, क्या कर रहे हो, वक्त जा रहा है, जल्दी आओ। मतलब वीज़ा नहीं मिल रहा, बोलते अफगान के रास्ते आ जाओ, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं यहाँ पे। अब चूँकि मैं जज्बाती था, दिल से सोच रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैंने रास्ता इख्तियार कर लिया। जब वहाँ पहुँचा तो उन लोगों ने असलियत दिखा दी, पीठ में चूरा मार के बस फंसा दिया मेरे पीछे। उन लोगों ने खुद, उन लोगों ने मेरे खीसे में जाली वहाँ के आईडी कार्ड्स रख दिए, ये कहकर कि भाई इसकी मदद से तुम बच जाओगे। और फिर उन्हीं लोगों ने मुझे एजेंसीज के हवाले कर दिया। उस लड़की से मिल पाया आप? नहीं मिल पाया। लड़की से मैं मिल भी नहीं पाया, क्योंकि मेरे बारे में, जैसा मैंने बताया कि मेरे बारे में पहले ही इत्तला दे दी गई थी, तो लड़की के घर तक पहुंचने से पहले ही मुझे उठा लिया गया, गिरफ्तारी हो गई। इन्हीं तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं। बेटा अपनी माँ के आंसू पोंछ रहा है, पानी पिला रहा है, खुश तसल्ली इस बात से कि बेटा वापस लौट आया है। 2232 दिन बताया आपने कैलेंडर पर मार्क कर करके आपने गुजारा, लेकिन अब इस तकलीफ को सुनकर भी मतलब वो आंसू नहीं रुक रहे फौजिया जी आपके। मैं यूँ कह सकती हूँ कि एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन का दर्द होता है, लेकिन ऑपरेशन अच्छे के लिए होता है, रिकवरी के लिए होता है। सो दिस इज द लास्ट फेज ऑफ डिफिकल्टी, अब अच्छे दिन जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ सीखा आपके बेटे के, ये सब इसके चलते सीखा। देखिए हमें सवाल ये है, कितना गर्व है आपको उन्होंने सीखा? बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी अम्मी कॉलेज में पढ़ाती थी, तो टेक सेवी नहीं थी, ये मुझे कहती थी कि ये फलानी चीज है, ये चीज है, ये तुझे टाइप करनी है, या मुझे सीखा किस तरह टाइप करते हैं। मैम छोड़ो, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, मैं कर दे देता था, मुझे तो सीखने दे। माँ की हिम्मत बहुत बड़ी चीज होती है। जब मैं वापस आया, फौजिया जी का चेहरा देखकर, हाँ तो सब आप तो नहीं अब सीख रहे उनसे? मैं अब यकीन, यही बात है, मैंने सबसे पहली चीज इनसे ये पूछी, आप लोगों के हाथ में टच मोबाइल कहाँ से आ गया? चलिए इसी मुस्कुराहट के साथ फौजिया जी इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। हामिद, आगे की जिंदगी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे मुश्किल सफर जो था काले सपने की तरह बीत गया, आगे सिर्फ उजियारा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का यहाँ पर आने के लिए।